हेलो एवरीवन, राम नेट जी अरब चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर वन है उसकी यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता के आज हम इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे। इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू हिंदी साहित्य की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाती हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? ए, शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। सी, दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर और छात्र आश्रित चर है, यानी टीचर इंडिपेंडेंट है और छात्र डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण सत्र में कौन सा सत्र कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? ए, ऑप्शन देखते हैं, ए समर्थी सत्र, बी बोध सत्र, सी चिंतनशील सत्र और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछा गया है शिक्षण के तीन सत्र हैं, समर्थी सत्र, बोध सत्र और चिंतनशील सत्र। तो इस सत्र में पूछा गया कि कक्षा के पर्याप्त वातावरण में खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है, यानी जिसमें बच्चा किसी भी समस्या या किसी भी टॉपिक पर सोच सकता है और सोचने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, चिंतनशील सत्र, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीनों लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? ए, ए शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। सी, विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यावहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध। डी, शिक्षा के सत्र को अर्हता प्राप्त क्वालिफाई करने के लिए सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो इसमें पूछा गया है कि पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। जैसे हमारा UGC नेट पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है और उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, तभी हम जो हमारा लक्ष्य है या जो हमारा टारगेट है नेट GRF अचीव करना, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए, बेंजामिन एस ब्लूम, बी स्किनर, सी कर्थवल और डी सिंपसन। तो फोर्थ का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया है? तो बेंजामिन एस ब्लूम ने दिया है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? ए, धारणा, बी अनुपयोग, सी ज्ञान और डी विश्लेषण। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, अनुप्रयोग। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? तो अनुप्रयोग, अप्लीकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी धारणा और डी मूल्यांकन। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी मूल्यांकन। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर यानी हाई लेवल कौन सा है? तो मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? ए शिक्षक केंद्रित, बी शिष्य केंद्रित, सी मुख्य अध्यापक केंद्रित और डी अनुभव के आधार पर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है शिक्षण केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है? ए अच्छा संप्रेक्षक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, बी संप्रेक्षक को हास्य का अच्छा बोध होता है, सी संप्रेक्षक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है और डी संप्रेक्षक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए अच्छा संप्रेक्षक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। तो ये सत्य नहीं है और ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक वही होता है जो ए अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, बी जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, सी वह छात्रों के लिए अभिगम्य एक्सेसिबल हो, डी उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हों। तो नौवें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा ए एक सफल शिक्षक वही होता है वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, यानी एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जिसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी तरीके से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? ए अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, बी शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, सी शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना और डी पुस्तकें लिखना। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी पुस्तकें लिखना। अगर कोई भी टीचर अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है तो ऑप्शन दिए गए हैं कि वो क्या क्या कर सकता है, तो पुस्तकें लिख सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 MCQs किए हैं। ये MCQs आपको कैसे लगे और आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहा है सभी को इन वीडियोस का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो तो वॉच करते हो लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।